चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी के 3500 घरों की बत्ती गुल। चेंबूर सिद्धार्थ कॉलोनी के लोगों ने निकाला मोर्चा। एकता आम्हाला वरती पोहोचवा, नाहीतर आम्हाला माफ करा। या भूमिकेवर जर आपण ठाम राहिलो तर ऊर्जा मंत्री काय त्याचा बाप जर 1000 करोड अंबानीचे हे लोक घेऊन डुबू शकतात। तर 77 करोड हे शून्य आहेत। आपण जर लावून धरलं आणि त्याच्या पाठीशी राहिलो तर 77 करोड तुमच्या सर्वांचे आपले माफ होतील। आपण एकदाचे आपण निसटू, या सर्व संख्येत निसटू आणि नंतर भविष्याचा आपण विचार करूया। यासाठी मी तुम्हाला सर्वांना जाहीर विनंती करतो की यावर आपण लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि पुढील आपण काम चालू करूया। भविष्य में अच्छे घरों का सपना यहां के विकासक दीपक निकालजे ने लोगों को दिया और लोगों को लाइट बिल और पानी बिल भरने का आश्वासन भी दिया। विकास होगा इसी भरोसे पर लोगों ने निश्चिंत होकर अपना बिल भरना छोड़ दिया। यह बिल लगभग 14 साल से बकाया होने की वजह से इसकी रकम अब 77 करोड़ पहुँच गई है। हर एक घर का 4 से 5 लाख रुपये बिल बकाया है। इससे पहले रिलायंस कंपनी ने छोटी मोटी कार्रवाई की थी, लेकिन अब अडानी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी हाल में बिल वसूल करना चाहती है। इसके चलते लगभग 5 दिनों में अडानी कंपनी ने 12 घंटे लाइट बंद कर रखी है। यहां के लोग लाइट बिल भरना चाहते हैं और कई बार लोगों ने यह कोशिश भी की है। बिल्डर लोकांची काय लॉबी, या लोकांनी काय फसवलं आम्हाला, लोकांना बिल्डर वाल्यांनी काही लाईन आम्ही कार्यकर्ते विभागातले कार्यकर्ते विभागाचे कार्यकर्त्यांनी स्वतः फसवलेले। आता कलेक्ट बिल वापस मागतात, हे काय लावलंय? आम्ही बोललो लाईट आम्ही चालू बिल आम्ही भरतो, बाकीचे ते बिल्डर बघून घेईन। हे लाईटवाले पण ऐकत नाही। फक्त तुम्ही 6 महिन्याचे भरा, वर्षाचे भरा बिल, कुठून भरणार गरीब लोक? चालू बिल घ्या तुम्ही, चालू बिल लोक भरायला तयार आहे। पण बिल्डर तुमचे बिल का भरणार? अरे बिल्डरने आम्हाला आम्ही बिल्डिंग बनवायला त्यांना प्लॅनिंगला आम्ही दिलं होतं, ते बोला आम्ही लाईट फ्री सरळ फ्री आम्ही भरणार, बिल्डर बोलला आम्ही भरणार आहे। लोक गाफील झाले, आता म्हणतो आम्ही नाही भरणार। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।